और क्या हालचाल है मेरे शेरों, सब कुछ बढ़िया ना। तो दोस्तों, सैमसंग का ए सीरीज का सबसे स्लिमेस्ट फोन इंडिया में लॉन्च कर दिया जा चुका है। पता है कौन सा है? सैमसंग गैलेक्सी A73। दिखने में कुछ ऐसा है। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, भाई 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 इंट्रो पहले दिखा दे, नहीं तो फिर से बोलेगा कि कौन देखेगा। प्लीज दिखा दे, उसके बाद बताना। ओके, अच्छा याद दिलाया, इंट्रो मैं वैसे भी भूल गया था। आज लगाओ। तो दोस्तों, हम लोग डिजाइनिंग के बारे में यहां पर बात कर रहे थे, और जैसे कि मैं आपको फोटो दिखा के बता रहा था कि हाँ, फोन का डिजाइनिंग भैया मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, और इन हैंड फील तो क्या ही बताऊं। पर्सनली मैं इस फोन को एक बार हाथ में लेके देख चुका हूं, तो बहुत सही फील है भाई। और दोस्तों, यही वो फोन है सैमसंग गैलेक्सी A73 जो कि सैमसंग का ए सीरीज का सबसे ज्यादा स्लिमेस्ट फोन है। इसका थिकनेस है 7.6 mm। दोस्तों, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोन स्लिम है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बैटरी कम दिया गया है, वो भी बताऊंगा, वेट करना, ठीक है? ओके। बात करते हैं यहां पर डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों, यहां पर डिस्प्ले की बात करूं तो एकदम टॉप ऑफ द लाइन वाला डिस्प्ले आपको दिया जा रहा है। जी हाँ, सैमसंग की तरफ से आपको मिल रहा है यहां पर सैमसंग का 6.7 inch का फुल HD प्लस वाला एक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले, ठीक है, और वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। ऊपर से गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी आता है। खैर दोस्तों, इसकी आंखों की बात किया जाए, यानी कि इसके कैमरा की, वो भी काफी मस्त वाला आपको यहां पर मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पर आपको 108+12+5+5 वाला ऐसा कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके साथ सेल्फी कैमरा की बात करूं तो यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब कि सैमसंग का पर्सनली कैमरा में जितने सारे फीचर्स भी है, सिंगल टेक से लेकर सब कुछ आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोस्तों, यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 778 5G वाला एक चिपसेट देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक केपेबल प्रोसेसर है, और BGMI COD जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम को आप यहां पर हाईएस्ट सेटिंग्स पे एंजॉय कर पाएंगे। खैर, इसकी एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की बात करूं, वो भी कुछ 4,80,000 से भी थोड़ा सा ऊपर आता है, तो आप समझ सकते होंगे कि गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर कितना केपेबल है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन कितना प्राइस में ये फोन लॉन्च किया गया है भाई? मतलब प्रोसेसर तो काफी अच्छा दिया गया है, और सैमसंग जनरली इतना अच्छा प्रोसेसर कुछ मतलब खतरनाक वाला प्राइस में ही देता है, तो कितना दाम है वो? यहां पर तुझे दो रैम वेरिएंट्स में फोन मिलता है, 8128 8256 LPDDR4X रैम टाइप, और UFS का 2.2 दोनों में दिया गया है। इसके साथ हाइब्रिड सिम स्लॉट और रैम प्लस वाला फीचर भी मिलता है तुझे, यानी कि 8GB का अगर तू फोन लेता है तो उसके साथ तुझे 8GB और वर्चुअल रैम भी दिया जाएगा। अब आते हैं प्राइस पॉइंट में। तुझे जानना है ना 8128 का प्राइस कितना है? बेस वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 42,000 और अपर वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 45,000 रुपीज। यही मैं बोल रहा था, 778 5G और कुछ प्राइस ज्यादा लग रहा मुझे। देख भाई, अगर तू खाली एक गेमिंग पर्पस के लिए फोन ढूंढ रहा है और ये फोन की बात तू कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये तुझे स्किप करना चाहिए, क्योंकि और भी दूसरे ऐसे फोन्स हैं जो कि 20-30,000 के अंदर बहुत अच्छे वाले प्रोसेसर प्रोवाइड कर देंगे तुझे, तो तू वो ले सकता है। खैर, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो दोस्तों, यहां पर आपको One UI 4.1 मिलेगा फिलहाल अगर आप फोन अनबॉक्स करेंगे, और Android 12 का सपोर्ट भी आपको यहां पर मिल जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स आपको मिल सकता है जिसको आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे आराम से। सेंसर्स की बात करूं तो सारे के सारे सेंसर्स हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स हैं। और कनेक्टिविटी की बात करूं, 9 5G बैंड्स का सपोर्ट तुझे मिल जाता है, इसके साथ डुअल 4G वोल्टी, डुअल बैंड वाईफाई, वाईफाई कॉलिंग, ब्लूटूथ 5.2, NFC जैसे फीचर्स भी तुझे इस फोन में मिल जाएगा। अच्छा, बैटरी बैकअप की बात करूं तो दोस्त, यहां पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि फोन स्लिम है इसका मतलब बैटरी खराब ऐसा नहीं है, 5000 mAh वाला बैटरी दिया गया है, 25W का अडप्टर का सपोर्ट है, मतलब बॉक्स में नहीं दिया जाता, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। बाकी बस दोस्तों, यही तक था इसका पूरा वीडियो। आपको कैसा लगा ये फोन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाकी इसका प्राइसिंग और बाकी दूसरी चीजें आपको क्या जस्टिफाइड लगा, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। पर्सनली मेरी बात करूं तो देखिए, सैमसंग जनरली थोड़े महंगे फोन ही लॉन्च करता है, और ग्लास बैक तो भूल ही जाओ, तो उस हिसाब से बाकी स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए और प्रोसेसर को देखते हुए मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवरप्राइज इसको कह सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। अब लेना है तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में और भी दूसरे बहुत सारे अच्छे अच्छे फोन्स अवेलेबल हैं इससे कम प्राइस में, ठीक है। बस बाय।
की 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 की।